आज हम बना रहे हैं यखनी पुलाव। इसके लिए मैं आया हूँ यहाँ शॉपिंग करने। ढेर सारी कुकड़ियाँ पड़ी हैं, ढेर सारी कुकड़ियाँ। ओ कुकड़ियाँ, काणी मछली भी। लबन चुबन ले लेना चाहिए, क्योंकि लबन इंसान की ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छा होता है। ये चुबन ले ली मैंने। लबन चुबन से बेहतर नहीं है कि हम दही मक्खन ले लें। एक सेकेंड, वो ठीक तो बिग वन है। कोकोनट वाटर, सोडा स्पार्कलिंग वाटर। ओके, मटर हमको मटर लेना चाहिए। नहीं फ्रेश है यार, नेक्स्ट टाइम नाइस एंड फ्रेश। कीड़े कीड़े मसलों को मिलता है, इट्स ऑल श्रिम्प्स। ये मिठाई खाएं जरूर आपके पेट में चुभने पड़ जाएंगे। गंदे हाथों से खूबसूरत खूबसूरत बने ये मिठाई है। ये लड्डू को कम लिंडी के पेड़े ज्यादा लग रहे हैं। ये गुलाब की तो नहीं, किसी और के जामुन लग रहे हैं, मंदिर के जामुन। ग्यारह जामुन है, पंद्रह जामुन है। लेजेंड्स के नाम से इन्वर्ट बंदर जामुन। Yeah.
ये शोकत मछली है, इसको शोकत मछली कहा जाता है। आम मछली से बहुत मुख्तलिफ होती है। मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत ले रहे ना शोकत मछली। ये है चेरी टमाटर, लाइकी में बहुत मज़े का होता है, कच्चा खाया जाता है। पता तो सबको होगा कौन सा मैं पहली दफ़ा दिखा रहा हूँ, और फिर भी अपनी तरफ से सही। राइस फ्रेंड्स, इसको दुर्गन फूड कहते हैं। बस पढ़ने का अपना अपना तरीका है, कुछ ड्रैगन फूड कहते हैं, मैं दुर्गन फूड कहते हैं। और ये है कीरा, सब वाकई को offering me a perfume, but she don't know I love to smell awful. कोई मामा मारने की मशीन हैगी है। ये दिन भी आने थे कि एक दूसरे के लिए रंग देख रहे हैं, कला हरास पीडी, सेक्सुअल हरासमेंट पीडी। सॉरी टू से, मेरे मुंह से निकल गया, आई हैव मुंह की गैस। ये मैं लग चुंडी में गाइस, ये बचपन में मैंने बड़ा इस्तेमाल किया, दुर्रा फिटे हो, ये तो सारा खराब कर दिया इन्होंने। ये तो ब्लू लेडी की जगह ब्लू लैम्प था ये। यो, इससे अच्छा तो मेरा पद होता है। जबरदस्त परफ्यूम है, काश मैं आपको सुंघा सकता, आप सूंघ लेते, आपको एहसास होता कि मैंने अभी फैंटा टॉफी के डब्बे में डाल दिया। स्मेल भी जाने की चूरन
ये चूरन वाली स्मेल। इसको स्मेल करके ही मुझे कारी साहब की याद आ गई, जो हमारे मोहल्ले के कारी साहब कारी अर्शद नाम पढ़ाते को मारते ज्यादा होते। बस एक्स नाम नहीं होना चाहिए। This is something which I recommend always. A muff. My favorite. Silver mist hai, iske andar yakeen hai meri cheezein thi hogi. Aur agar woh cheez hai to main kaise bulate nahi, main kyun woh nahi. Kabhi na nahi lagta. It is a very good fragrance. कि बहुत अच्छे अच्छे परफ्यूम्स होते हैं, इनको यूज़ करें। ट्रस्ट मी, आप बरारी अल्कलीज जैसे और इनकी परफ्यूम्स बरारी अल्कलीज, बरारी अल्कलीज और क्रीड एवेंटस जैसे परफ्यूम को टक्कर देते हैं। गेटिंग एक्सपेंसिव, महंगे हो रहे हैं क्योंकि वो स्टार्टेड बाय 10 देन नाउ इट्स 19 एंड अब वे बेटर देन, वे बेटर देन, आई से दैट वे बेटर देन एनी अदर टू। हम ओके अच्छे अच्छे आचार हैं। फैमिली चैनल है इसलिए मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, वरना मांगो चैनल। इतने मजे के जुड़े हुए ना, आप हाल एक दफा तो निकालते पता चलता है। मदीना के साथ शॉपिंग के बाद आज रॉयल, फिर हम इसको बनाएंगे यहाँ पर आज की सबसे बेहतरीन डिश हमारा छोटे से किचन के अंदर। हम ला रहे हैं जो हम लेकर आए थे, बीच में कहीं पीछा हो गई है। सौ बंदे के साथ जाते भी हमने कहा सौ रुपये करने के लिए ऐसे छोड़ दें, जिस तरह से मान लें कि आंटी ने आपकी अम्मी को नए कपड़े पहने हुए। या आपकी फुफो को पता चल गया हो कि आपके अबू ने आपकी अम्मी को नया जेवर लेकर दिया। ऐसे छोड़ दें खुशबूदार देसी तेल की अपनी खुशबू होती है। हमने कितना सा तेल डाला था, नाउ इट इज टर्निंग इनटू ऑयल एंड वेरी फास्ट इट गिव्स अ वेरी सुपरस्टिशियस लुक टू दिस पर्टिकुलर पतीला एंड इट विल बी फिल्ड विद द ऑयल एंड
This is the natural oil. That's called Bombay di Taki, yani chakki. मैं सिंगल की लई सी इस करके मैं टक्की किया पूरी लई होंगी तो टक्की हूँ हम इसको ऐसे छोड़ देंगे जब तक हम असर की नमाज पढ़ेंगे असर की नमाज के बाद यह हमारा यखनी पुलाव का मसाला और मज़े की बात तो मेरे पास बड़ी पतीली नहीं थी मैं साथ वालों से मांग कर लेकर आई वो ये बड़ी छोटी पतीली है मेरे पास बड़ी पतीली मैं ना रखा मैं मांग के ले आई है नमाज पढ़ने के बाद मतलब गैस हो गई थी इस करके मैं वीडियो नहीं बना सकिया नाल दे नाल कोई बंदा हो जाएगा भी नहीं इसको आपने पहले जो है ना चर्बी वाले तेल में फ्राई करना है फ्राई करने के बाद इसके अंदर काले मसाले यानी युगांडा के मसाले डालने और नाइजीरिया के मसाले डालने यानी काली मिर्च सफ़ेद मिर्च और थोड़ी सी आपने जो है ना पाउडर हल्दी और सॉरी और सॉरी पाउडर अदरक और थोड़ा सा उसको एक टी स्पून आपने हल्दी का डालना है रोज़ा लगा हुआ माफ़ करना है और फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा हल्के हल्के फ्राई देना है हल्का 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 मसाले को फ्राई देना देन यू पुट ओनियन एंड ओनियन डालने के बाद फिर इसके अंदर दो गंडिया लहसुन की बारीक पीसी इसमें डाल देंगे उसके बाद आपने इसको हल्का 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 धीमी आँच के ऊपर फ्राई करते रहना और ये वाला लुक इसका आ जाएगा देखिए ग्रेवी लुक आ जाता है जी प्याज कहीं गुमी हो जाता है क्योंकि प्याज जो है आप डबल हीट में पकाते हैं उसको ब्राउन नहीं करते इसके प्याज ये दूसरे पुलाव की तरह इसका प्याज ब्राउन नहीं होता ये आप देखिए बस इसको हिलाते रहें ताड़ ना लगने दें इसको बस हिलाते रहें कोई और जो है ना डाढ़ा मसाला इसमें नहीं डालते गर्म मसाले तर्म मसाले तम मसाले सादे मसाले डालते हैं इसमें ताकि थोड़ा सा खाने में नरम रहे आज मेरा और चोई साहब का दिल कर रहा था मेरा पुलाव का हमने शुरू कर दी कोई फैंटास्टिक किस्म का जो है ना कैमरा मैन की तलाश में है हम कैमरा मैन मिलता नहीं और इतने पल्ले के पैसे भी नहीं गैस खाना बनाते हुए हमेशा एक चीज़ का ख्याल रखें कि लकड़ी वाला चमचा इस्तेमाल करें इसमें से क्ले कम निकलती है इवन प्लास्टिक के और स्टील के चमचे होते हैं उनमें से क्ले निकलती है या वो आप इसमें पिघलना शुरू हो जाते हैं फिर उनका लिक्विड जो है वो खाने में मिक्स होना शुरू हो जाता है जो विच इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ एंड आई बिलीव समथिंग आई फाउंड एंड विच इज़ बैड हल्का हल्का फ्राई करना है और फिर इसे चुपड़ी में छोड़ना है और दूसरे वाले को खोल देना है रखे हुए टमाटर पा देने हैं सॉरी आई वांट टू से नॉट रखे हुए टमाटर या हाइजीन का प्रॉब्लम हो जाता है मैं बरसन में इसीलिए से हाइब्रिड काम करता हूँ चम्मच मजे करो इसको ठास किचन सिस्टम यानी एक चीज लगो दस दिन जाए तो बड़ा किचन ही इन्ना छोटा जो दो देखो तो जीरो ऑयल फ्राई इसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है ये बशीरा और ये नज़ीरा दोनों के अपने अपने घर हैं ये चौक के थोड़ी जी दड़ा मिर्च पाओ किसी खाने वेले भी तो बाकी तुम समझदार हो
इधर पाओ फिर थोड़ी जी इधर भी पा लो पंज टेस्ट करके है वो थोड़ी अपनी मर्जी पानी है पाओ नहीं तो ना पाओ ग्राम पा लो थोड़ा जहाँ सुखा धनिया फिर भी छा एंड करके पाया मेरा अपना अंदाजा तुम अपने अंदाजे का पाई जाओ ठीक है वन टेबल स्पून टी स्पून हल्दी चुके रखी फिर तुम साडा सीक्रेट मसाला लेलियाँ वाला ये तुम एंज करके सुटता ओह सॉरी मैं ना भी दसता सीक्रेट तो नहीं रहा लेलियाँ वाला मसाला ये साढ़े एक होर सीक्रेट जी है ना मैं वो थोड़ा दसन नहीं लगा पर देख लो तो यह भी पाते एक होर खास सीक्रेट है जोड़ा मैं इंज लुका के ना उत्तों की होकर इंज करके पाना जी देखो बस इतना जो पाया देखिए चिट्टा सफेद ओ यार कोई सीक्रेट नहीं है लै टेस्ट फीड है ये है जी जीरो ऑयल जीरो ऑयल के अंदर थोड़ी सी जो है ना कश्मीरी लाल मिर्च डाल देनी है ताकि रंग जो है ना इसका बेहतरीन हो जाए क्योंकि साढ़ा जिस वेल तक रता रता रंग ना हो ना साल ना क्योंकि कहीं असं साल में खाते नहीं बहुत सही चीज़ खाधी है नाल नाल भी कहते रहो फिर बिच कूटना ओलिव ऑयल स्पैनिश वाला थले वाली चीज़ नहीं पड़ना उधर कुंवरा है अरे शादी नहीं हुई थी अरे एक्स्ट्रा कुंवरा तो अब हमने इसमें राइस डाल दिए यखनी रेडी हो चुकी थी राइस मेरे पास कोई होता नहीं है कि मैं बार बार इस वीडियो को बना सकूं इसलिए डाल दिए वर्ल्ड्स बेस्ट है सो हम इसका इंतज़ार करेंगे और देखेंगे कि क्या सूरत हाल बनती है और ये देखें हमारा मटन यखनी पुलाव जो है ना बेहतरीन तरीके से इसको और जो बची हुई ग्रेवी थी उसके साथ हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ा सा सहरी के लिए सालन रेडी कर दिया फ्लेम यूज कर लिया इसका मिलते हैं थोड़ी देर बाद अल्लाह हाफिज़।